मध्य प्रदेश में अद्भुत रिजल्ट किया, छत्तीसगढ़ में अद्भुत रिजल्ट किया, उड़ीसा में अद्भुत रिजल्ट किया, झारखंड में अद्भुत रिजल्ट किया और मेरा प्रदेश असम ने भी बढ़िया रिजल्ट किया। तो मैं यहां आके लोगों को पूछा कि भाई कुछ गड़बड़ी हो गया क्या? बोले क्यों? बोले मेरा तो जितना मानना है आप लोग 9 सीट जीते हैं और जेएमएम और कांग्रेस मिला के राजद वगैरह सब मिला के 5 सीट जीते हैं और उसमें भी एक सीट ऐसा है जो सीट खाली आप लोग 22,000 वोट से हारे हैं, मतलब 10,000 वोट मिल जाने से गीता सोरेन जी भी जीत जाता था। तो इतना बढ़िया रिजल्ट हुआ तो आप लोग इतना ढीला ढीला क्यों है? बोले ऐसा हुआ है कि हमारा अच्छा रिजल्ट हुआ है। मैंने बोला भाई पता नहीं 9 बड़ा है कि 5 बड़ा है। तो फिर मेरा लगा कि जरूर बांग्लादेश और पाकिस्तान में कांग्रेस लोगों ने कोई मैथमेटिक्स निकाला है जहां में लिखा होगा कि 5 बड़ा है 9 छोटा है। लेकिन हमारे तो भारतीय शास्त्र है जो इंडियन मैथमेटिक्स है, इंडियन मैथमेटिक्स में जो 9 है और जो 5 है उसका अंतर सार का होता है और 9 सीट जीतना ये परिवेश में ये एक अपने आप बहुत ही बड़ा सफलता है जिसका कोई तुलना नहीं हो सकता है। अभी आप हेमंत सोरेन को देखो, दांत भी देना पड़ेगा, वो 5 सीट जीते हैं लेकिन विधानसभा में जाके बीजेपी का नेता उसको बोल रहा है कि अगले बार आप विधानसभा में नहीं आ पाएगा, 50% लोग आप लोग हार जाएगा। आप देखो 5 सीट मिलने वाला 9 को धमका रहा है, क्या विडंबना है यह देश का? आज आप देखिए लोकसभा में राहुल बाबा भाषण करते हैं, शिव जी का भी फोटो लेके आते हैं। अरे भाई शिव जी का दर्शन मंदिर में होते हैं, शिव जी कोई पोस्टर में लेने वाला भगवान नहीं है कि आप पार्लियामेंट में ले आके बोलेगा शिव जी मेरा है। भैया शिव जी को दर्शन करना है तो मंदिर में जाके दर्शन कीजिए, शिव जी ऐसे पॉकेट में लेके आना मनी बैग नहीं है कि आप उसको उधर ले उधर ले जाओ, ऐसा नहीं होते। खेत राहुल जी का तो धर्म का बारे में ज्ञान नहीं है, उनको आप थोड़ा सा माइनस कर दीजिए। उन्होंने डंका बजा के बोला मोदी जी हम 99 सीट लेके आए। मैंने बोला झारखंड का बीमारी इधर में भी आ गया, मैं बोला ये झारखंड का बीमारी घुस गया है। बोले 99 सीट मैंने लेके आया। ऐसे तो लोगों को लगे मेरे बाप ये तो बड़ा समर्थन स्टूडेंट है, 100 में 99 मिले। मोदी जी मैं देख लूंगा आपको, आगे जैसे आपको करने नहीं दूंगा, किसने में 99 मिला। तो मेरा बेटा ने मुझको पूछा पापा ये सचमुच 99 मिला, आप लोग क्या किया? मैं बोला ये सचमुच 99 मिले लेकिन 100 में 99 नहीं, 542 में उनको 99 मिला। आप देखो 542 सीट में जो 240 सीट मिले उनको कौन धमका रहा है जिसको 99 सीट मिले 542 में? झारखंड में 5 सीट मिलने वाला 9 को धमका रहा है और 99 सीट मिलने वाला 240 को धमका रहा है। अब देखो देश का क्या भविष्य हो सकता है, ये देश कैसे चल सकता है? लेकिन राहुल जी हेमंत जी आप जो भी बोले सूरज पूब से ही आएगा, सूरज का उदय पूब से ही होगा, 240 हमेशा बड़ा होगा, 5 से 9 हमेशा बड़ा होगा, यह मान के चलिए, यह हमें मत धमकाओ। अभी मुझको हमारे लोग हमारे विधानसभा का ऊपर दलपति और दलपति हमारे अमर जी मुझको बोल रहा था कि हमेशा हेमंत सोरेन जी विधानसभा में 40 मिनट 45 मिनट भाषण देते हैं।
कि मैं अगली बार चुन के नहीं आने वाला हूं, यही आपने बता दिया। भाई और बहनों, आज हेमंत सोरेन जी अपने आप को आदिवासी नेता मानते हैं, साथ में कौन ढूंढते हैं, पिंटू सिंटू ढूंढते हैं। वो लोग क्या आदिवासी है? वो लोग क्या आदिवासी है? हेमंत सोरेन जी का साथ में कोई आदिवासी नहीं है। उनका जो बेनिफिट लेते हैं, उनका जो एडवांटेज लेता है, हेमंत सोरेन जी का साथ कोई आदिवासी नेता दिखाई नहीं देगा। जेल से छूटा, जेल से छूटने का बाद वो किसका पॉलिटिकली मर्डर किया? उन्होंने बाबूलाल मरांडी का पॉलिटिकल मर्डर नहीं किया, उन्होंने अर्जुन मुंडा का पॉलिटिकल मर्डर नहीं किया, उन्होंने सीपी सिंह का पॉलिटिकल मर्डर नहीं किया। जेल से बाहर निकाल के ही वो संपाई सुरेन जी का पॉलिटिकल मर्डर कर दिया। क्या संपाई सुरेन जी आदिवासी नहीं है? क्या संपाई सुरेन जी ने अच्छा से सरकार नहीं चलाया था? मैंने संपाई सुरेन जी का जब मैंने प्रभारी बना, मैं उनका ट्विटर फॉलो करने का काम शुरू किया था। इसलिए प्रभारी बना तो ट्विटर उटर देखते रहना चाहिए। मैंने देखा था वो व्यक्ति में एक अच्छा चीज था, कोई भी व्यक्ति उनको फोन करते हैं, ट्वीट करते हैं कि मेरा बीमार है, हॉस्पिटल में मेरा काम नहीं हो रहा है, और तुरंत डीएम को ट्वीट कर देते थे कि इसका चिकित्सा का व्यवस्था करवाइए। धीरे धीरे वो अपने आप उनका स्थिति मजबूत करते सुरेन आके क्या किया? संपाई सुरेन जी को बोला कि आप कुर्सी से हट गए। मतलब हेमंत सोरेन जी को क्या चाहिए? कुर्सी चाहिए। कोई आदिवासी लोगों का कल्याण उनको नहीं चाहिए, उनको खाली कुर्सी चाहिए। भाई और बहनों, 5 साल में झारखंड में कितना नया मेडिकल कॉलेज बने, 5 साल में झारखंड में कितना यूनिवर्सिटी बने, 5 साल में झारखंड में कितना नया इंजीनियरिंग कॉलेज बने? कुछ नहीं बने। झारखंड का क्या विकास हुआ? कितना लोगों ने नौकरी मिला? क्या 5 लाख लोगों ने नौकरी मिला? आप बोले थे कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगा आपको भत्ता मिलेगा 5,000 रुपया, 6,000 रुपया। ये बीजेपी ने नहीं बोला, ये किसने बोला? आपने बोला, हमने नहीं बोला, रघुवर दास जी ने नहीं बोला। चुनाव का समय हेमंत सोरेन जी ने बताया कि मैं 5 लाख युवाओं को मैं नौकरी दूंगा। अब जब तक नौकरी नहीं होगा आपको 5,000 रुपया मिलेगा, 7,000 रुपया मिलेगा। अभी कोई आंसर नहीं है, जवाबी सूख है। बोलते नहीं बीजेपी चुनाव हार जाएगा। अरे बीजेपी क्यों हारेगा भाई? बीजेपी ने तो वादा खिलाफी नहीं किया, बीजेपी ने तो ये नहीं बोला मैं 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। बीजेपी ने बोला हम लोग राम मंदिर बनाऊंगा, राम मंदिर तो हमने बना दिया। हमने बोला 370 हटाऊंगा, हमने तो हटा दिया। लेकिन आपने क्या किया? आपने क्या किया? आज आप लोग देखिए, युवाओं को नौकरी नहीं है, आदिवासी का कल्याण का बात करते हैं, पूरा आदिवासी क्षेत्र में आज घुसपैठिया दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। घुसपैठिया क्या कर रहा है? मेरा आदिवासी बेटियों को विवाह करने का नाटक करते हैं, उनका बच्चा का नाम में आदिवासी जमीन हड़पने का काम करते हैं। आज झारखंड को हेमंत सोरेन ने छोटे बांग्लादेश बना दिया है। भाई और बहनों, मैं तो डिमांड करता हूं हमारा झारखंड में ऐसा कानून होना चाहिए
कि आदिवासी बेटियों और बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी शादी ना हो, ऐसा हमारा समाज में कानून पास करना चाहिए। कौन सा कानून में शादी हो रहा है? अगर एक मुसलमान है, दूसरा बीवी मुसलमान नहीं है, हर विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट में होना पड़ेगा। अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में नहीं होते हैं, वो विवाह कानूनन स्वीकृति नहीं मिलते हैं। मतलब आज जितना आदिवासी बेटियों का साथ ये घुसपैठी शादी कर रहा है, ये शादी लीगल नहीं है, ये शादी इलीगल है। उनको ठगा के उनको शादी करने का ड्रामा हो रहा है। घर में भी एक बीवी है, अगर बांग्लादेश से आए हैं, अगर बंगाल से आए हैं या असम त्रिपुरा से आए हैं, वहां भी एक बीवी है, और यहां भी आदिवासी लड़कियों का साथ मेरा बेटियों का साथ विवाह करने का ड्रामा हो रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन जी अब आदिवासियों का नेता है, कम से कम आदिवासी समाज का कल्याण के लिए तो काम कीजिए। आदिवासी का वोट लेने से काम नहीं होगा, आदिवासी का कल्याण करो। पहले तो आप आदिवासी समाज को आप घुसपैठियों का हाथ में आप आत्मसमर्पण करवा रहा है, और दो दिन का बाद घुसपैठी रांची भी आ जाएगा। और हमने दो दिन पहले वीडियो देखा कैसे रांची शहर में घुसपैठिया हमारे लोगों को मार रहा है। हमने एक वीडियो देखा, कितना सच है कितना झूठ है मैं नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन ये कहानी ये बातें बार बार आ रहा है। आज झारखंड में माताओं का ऊपर, आज आप देखिए, मैं कल्पना जी का खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन कल्पना जी मैं आपको हाथ जोड़ करके ये निवेदन करता हूं, आपने हेमंत सोरेन को जेल से निकालने के लिए जो आपने संघर्ष किया, हालांकि वो कोई स्वाधीनता आंदोलन के लिए जेल नहीं किया था, करप्शन के लिए जेल किया था, अलग बात है, लेकिन आप एक पत्नी होने के नाते अपना स्वामी के लिए आपने अपना मरसा खोला, मेरा कोई आपत्ति नहीं है, मेरा बीवी भी वो काम मेरे लिए करेगा। लेकिन अभी तो हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर है, अभी कम से कम आप एक मां होने का नाते, एक आप बेटी होने का नाते उसके लिए लड़ाई लड़िए, जो झारखंड में जो बेटियों को हर दिन रेप करा जाते हैं, जो बेटियों को हत्या किया जाते हैं, आप उनके लिए अभी लड़ाई लड़िए। आपका तो पहला लड़ाई समाप्त हो चुका है, दूसरा लड़ाई लड़िए, मेरा झारखंड का माताओं के लिए लड़िए, मेरा झारखंड का बेटियों के लिए लड़िए, जो हर दिन उनको हत्या किया जाते हैं, उनको रेप किया जाते हैं, विवाह का नाम में उनका धर्मांतरण हो रहा है, विवाह का नाम में उनको धोखा दिया जा रहा है। और सबसे झारखंड में किस महिलाओं का ऊपर अत्याचार होते हैं, कौन सा बेटियों का ऊपर अत्याचार होते हैं, सबसे ज्यादा अत्याचार अगर होते हैं आदिवासी बहन और आदिवासी बेटियों का ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। भाई और बहनों, आज आप देखिए, अगर 20 साल बाद हेमंत सोरेन जी को अपना नाती पूछते हैं कि दादा आप झारखंड का मुख्यमंत्री रहा, आप झारखंड के लिए क्या किया, कोई यूनिवर्सिटी बनाया, बोले नहीं बनाया, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया, बोले नहीं बनाया, कोई यूनिवर्सिटी बनाया, नहीं बनाया, दादा तब आपने क्या किया, बोला मेरा समय में झारखंड में मैंने बालू सिंडिकेट का खिलाफ कुछ नहीं किया, बालू सिंडिकेट झारखंड में बनते गया, अभी झारखंड का लोगों को बालू नहीं मिलते हैं, यूपी बिहार को हम बालू सप्लाई करता हूं, हम झारखंड को इतना आगे बढ़ा दिया। लोग होते हैं ना कि देश से एक्सपोर्ट होता है, राइस का एक्सपोर्ट होते हैं, देश से व्हीट का एक्सपोर्ट होते हैं, पहले अपना नागरिक को दिया जाता है साउथ,
उसका बाद चावल एक्सपोर्ट होते हैं। झारखंड में झारखंड से बालू का एक्सपोर्ट होता है, लेकिन झारखंड का नागरिक को बालू का अधिकार नहीं है, वो बालू बाहर चला जाता है, सरकार का खजाना में पैसा नहीं आता है और मुनाफा और माफिया उनका पॉकेट में वो पैसा चला जाता है। ये क्या प्रदेश है, ये क्या शासन है? और आप बोलते हैं हमारा ही सरकार बनेगा, कैसे सरकार बनेगा आपका? आपने झारखंड के लिए क्या किया, हिसाब दीजिए। मोदी जी को गाली देके आप सरकार नहीं बना सकते हैं, मोदी जी हिसाब देगा। मैंने 2 करोड़ गरीबों का घर बनाया, मोदी जी हिसाब देगा। मैंने 6 करोड़ भारतीय लोगों को आयुष्मान भारत से हेल्थ का इंश्योरेंस किया, मोदी जी हिसाब देगा। मैंने हर साल महीना में करोड़ों किसानों का खाता में पैसा भेजता हूं, मोदी जी हिसाब देगा। 500 साल बाद मैंने राम मंदिर का निर्माण किया, 370 हटाया। हेमंत सोरेन जी आप क्या हिसाब देगा कि मेरा समय में कैला का घोटला हुआ, मेरा समय में झारखंड में बालू का सिंडिकेट हुआ, ये हिसाब आप देके सुनाओ जीतेगा? ऐसा नहीं है। झारखंड का लोगों ने आपको लोकसभा में भी हराया और झारखंड का लोगों ने आपको विधानसभा में भी हराएगा, यह पक्का बात है। भाइयों और बहनों, यह लोकसभा जो चुनाव हुआ, मैंने आपको बोला कि 5 सीट जेएमएम और कांग्रेस जीते, आगे भी 1-2 सीट जीते थे, 1 सीट तो ऐसे ऐसे जीत गया भी दलर भोट से, वो तुम्हें जीतने का हिसाब में नहीं रख रहा हूं। अपने 4 सीट जीते, क्यों जीते? राहुल जी झारखंड आए, प्रियंका गांधी झारखंड आए, खटाखट का बिजनेस शुरू कर दिया, खटाखट का बिजनेस। भाई 8,500 रुपया आपको देना है, शिक्षा बैंक में दे दीजिए, लेकिन आप बोलते मैं खटाखट देना, ये कैसे आते हैं? मतलब ये पैसा कोई रॉकेट वॉकेट से आएगा क्या? क्या सब मेरी मशीन गन से आएगा क्या घर में? मैं तो घर में बोला भाई सावधानी रहो, राहुल जी का सरकार है झारखंड में, अभी दरवाजा तोड़ के घर में 8,500 रुपया आ जाएगा, खटा खट आ जाएगा। आया क्या किसी का घर में? अरे पैसा है ना, वो नहीं पूछ रहा हूं, किसी का दरवाजा रोजा तोड़ दिया क्या खटाखट का है? किसे आता था तो खटाखट में कि क्या लोगों का साथ आप सोलो। और हमारे जो राहुल का भक्त है वो लोग ने बोला मां राहुल बाबा खटाखट करेगा। अरे भाई खटाखट नहीं चाहिए, पैसा भेजो ना, चुपचाप भेजो, खटाखट भेजने का क्या जरूरत है? मैं असम में हर महीना का 10 तारीख 40 लाख लोगों का अकाउंट में पैसा भेजता हूं, लेकिन मैं खटाखट नहीं भेजता हूं, चुपचाप बैंक के अकाउंट में आ जाता हूं। आज मोदी जी किसानों के लिए रुपया भेजते हैं, स्विच दबा दिया पैसा आ गया, भाई ये खटाखट कैसे आते हैं? मैं खटाखट खटाखट खटाखट, ये सब क्या ड्रामा है? आप लोग देश को क्या करना चाहते हैं? ये देश का लोगों को आप क्या समझते हैं? अभी दीजिए, झारखंड में आपका सरकार है, अब दीजिए खटाखट। बोले नहीं नहीं 8,500 नहीं दे सकूंगा, 1,000 रुपया दूंगा। कब देगा? जब चुनाव के लिए और 1 महीना बाकी है, 1 महीना के लिए मैं 1,000 रुपया दूंगा। हेमंत जी 1 महीना के लिए 1,000 देने का कोशिश मत कीजिए, अगर 1,000 रुपया देना ही है, 5 साल का 12 महीना करके 7 महीना का 1,000 रुपया एक साथ आप घुसा दीजिए, तभी तो हिसाब होगा ना। आपने 5 साल सरकार चलाया, 1 साल में 12 महीना होता है 7 महीना, आप अभी 7 महीना का पैसा नहीं देगा और 1 महीना का पैसा डाल के आप बोलेगा कि हमने तो 1,000 रुपया देता हूं। मैं बोला ये तो और एक खटाखट स्कैम है, स्कैम का ऊपर स्कैम है,
आप देगा एक्चुअली एक महीना के लिए, अब आप बोलेगा मैंने आपको दे रहा हूं, मतलब कि आपने पांच साल में दिया, अभी आप किसी को मिलते हैं एक महीना के लिए देगा और बोलेगा मैं दे रहा हूं, ये भी एक स्कैम है। कितना स्कैम का ऊपर आप स्कैम करेगा, आपको मैं चैलेंज देता हूं, अगर आपको सचमुच देना है तो हर महीना 12,000 रुपया एक साल का और 5 महीना का 12,000 मेरा अकाउंट में आप 60,000 रुपीज आप डालो तब मैं मानूंगा आपने कुछ किया। ऐसे भी जो आप बोला था कि साल में मैं 72,000 रुपया देना है, मैं तो ये भी बोला था कि मैं पेट्रोल भी 25 मैं तो ये भी बोला था कि 25 रुपया मैं पेट्रोल देने का काम करूंगा, मैं तो ये भी बोला था पैरा टीचर का नौकरी भी रेगुलराइज करूंगा, सहायक लोगों को भी मैं पुलिस करूंगा, मैं तो ये भी बोला था कि विधवा पेंशन भी बढ़ाएगा, रेगुलर लोगों को मिलेगा। आज तो विधवा पेंशन भी बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा है, फॉर्म फिलअप करते रहा हो, साल में 1-2 महीना का पैसा देते हो और लोगों का मन में विश्वास करवा देते हो कि हम दे ही रहा हूं। आप दे नहीं रहा है, अब कभी बीच में आप देने का काम करता है विधवा पेंशन, अब हमेशा नहीं देते हो। ये जो हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का खटाखट वाला बुद्धि है, यही बुद्धि को प्रधानमंत्री जी बालक बुद्धि बोलते हैं कि यही बुद्धि को लेके आप देश चलाना चाहते हो, ऐसे नहीं होगा। भाई और बहनों, झारखंड में हमारा सरकार बनने वाला है, रांची में भी हमारा विधायक पहले भी जीता है, सीपी सिंह जी 5 बार का विधायक है, हम रांची में हमेशा जीतता हूं, आगे भी हम जीतते रहूंगा, इसमें मेरा कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप लोगों को राशि का मतलब है हमारा स्टेट का कैपिटल। कभी पाकिस्तानी मैथमेटिक्स लोगों को नैरेटिव बनने मत दीजिए, इंडियन मैथमेटिक्स लोगों को सिखाइए, 9 बड़ा होते हैं, 5 छोटे होते हैं, 52 सीट में हमारा लीड है और झारखंड में सरकार बनाने के लिए 42 सीट चाहिए, हम लोकसभा में ही 51 सीट हम जीत चुका हूं। भाई और बहनों, कमर कस के तैयार हो जाइए, झारखंड में बीजेपी का सरकार बनाना है। रांची में लास्ट चुनाव में हमारा कोई सारे समर्थक को लगा कि संजय सेठ तो जीत ही रहा है, मैं वोट नहीं देने से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरा बूथ सभापतियों से निवेदन है, इस बार आप लोग हर घर में जाइए, वोटर स्लिप भी आप लोग दीजिए लोगों को घर घर जाके ये भी समझाइए कि झारखंड का साथ 5 साल में कितना बड़ा धोखा हुआ, कितना मां का सम्मान हुआ, कितना मेरा बेटा बेटियों का हत्या हुआ। थोड़ी दिन आगे हमारे काउंसिलर का ही गोली से मार दिया जाता है, रांची का पूरा महानगर में भी ऐसा काम होते ही रहते हैं। सुरक्षा के बात बोलिए, महिलाओं का सुरक्षा, हमारा समाज का सुरक्षा, झारखंड में रिसोर्स है, अगर झारखंड का कोयला, झारखंड का बालू, झारखंड का आयरन हिसाब से अगर जाते हैं, अगर ट्रेजरी में पैसा आते हैं, झारखंड देश का पहला 1-2 नंबर प्रदेश बन सकता है, झारखंड के अंदर में इतना संभावना है। इसीलिए हमें एक नया झारखंड बनाने के लिए आपका समर्थन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आप लोग यही संदेश लेके, मोदी जी का संदेश लेके हर घर आप लोग जाना काम शुरू कर दीजिए। ये अगस्त में 20 तारीख हमारा एग्जीक्यूटिव है, 20 तारीख एग्जीक्यूटिव है, आप लोग भी आमंत्रित है, देश का गृह मंत्री जी भी आ रहा है, चुनाव का माहौल शुरू हो गया है,
हमारे बूथ का अध्यक्ष लोग, बूथ का हमारे पदाधिकारी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों का घर में जाए, लोगों से संपर्क साधे। हमारे ये सिटी का जो जनता है और बीजेपी को हमेशा आशीर्वाद देते हैं, बीजेपी का साथ रहते हैं, लेकिन इस बार ये भी बोलना है कि आप लोग वोट भी दीजिए, इसलिए ईवीएम का मशीन से ही असली आशीर्वाद होते हैं, इसीलिए आप लोग जरूर वोट देने आइए। वोट देने आएगा तो बीजेपी को जरूर वोट देगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए आज हम लोग आप बूथ का पदाधिकारी लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया था, आमंत्रण किया था, इसीलिए आप लोगों ने बहुत बड़ा रिजल्ट किया, रांची को आप लोग जिताया। आप लोगों का सांसद संजय सेठ भारत सरकार का मंत्री बना, जेएमएम और कांग्रेस का कोई एमपी मंत्री नहीं बना, वही के प्रूव है कि भारतीय गणित ठीक ठाक चल रहा है। हमारा झारखंड से दो मंत्री बने, अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ जी, लेकिन दोनों जेएमएम कांग्रेस से नहीं है, मंत्री तो जीतने वाला पार्टी से बनता है ना, यही भी प्रूव होते हैं कि हम ही जीता है और कोई नहीं जीते हैं। इसीलिए भाइयों और बहनों, आप लोग कमर कस के तैयार हो जाइए, झारखंड में बीजेपी को सरकार लाना है। झारखंड का विकास के लिए हमें जेएमएम और कांग्रेस का छोड़ सरकार को हमें 3 महीना, 2 महीना, 4 महीना का जब भी चुनाव होता है हमें विदा करना है, और हमें झारखंड में मोदी जी का नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाना है। आप लोग खूब कष्ट कीजिए, परिश्रम कीजिए, कार्यकर्ता का परिश्रम का बिना इतना बड़ा यज्ञ कभी भी संभव नहीं है। आप लोग यज्ञ का जजमान है, भगवान को जो आहुति होगा इसका जजमान आप ही लोग है। आप लोगों का नेतृत्व में ही हम लोग को हर बूथ भी जीतना पड़ेगा और विधानसभा भी जीतना पड़ेगा। यही दो सब बताते हुए मैं तो रांची में आ ही रहा हूँ, मिलना जुलना होते ही रहेगा, हम लोग मिलते जुलते रहूंगा, लेकिन ये रांची सीट में एकदम रिकॉर्ड करके अगले विधानसभा हमें जीतना है, यही संकल्प आप लोग लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत विश्व शर्मा जी, आपने काफी उत्साह प्रदान कर हम सभी को चुनाव मंत्र दिया और हम सभी कार्यकर्ता उस पर चल कर आप विधानसभा जरूर मिलेंगे।